नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, आंसर की आने के बाद शिफ्ट वाइज जो स्कोर है उसमें काफ़ी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही मैं दिखाने वाला हूँ कि शिफ्ट वाइज आपका एवरेज जो स्कोर है वो कितना बनना है और ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना बनना है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, उसके अलावा टीयर वन का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, मेंस का जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है। तो इन सब पॉइंट के बारे में आपको एक सिंगल वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि टॉप फाइव जो टफेस्ट शिफ्ट हैं वो कौन सी हैं, टॉप फाइव जो इजी शिफ्ट हैं वो कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट जो है वो कौन सी है। तो आप लोग ये डाटा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले जब हम लोग एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे थे तो शिफ्ट वाइज जो स्कोर था वो भी ज़्यादा था और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर बनना था वो भी ज़्यादा बनना था। लेकिन अब ये जो डाटा है वो पूरा चेंज हो गया, तो इसलिए सभी शिफ्ट का जो स्कोर है वो घटा है और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो भी घटा है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया क्लियर कट लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि इतना अगर रॉ स्कोर आपका बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए विदाउट टाइम खराब किए हुए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम सबसे टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 26 जुलाई की जो आपकी शिफ्ट वन थी वो आपकी टफेस्ट शिफ्ट रही, जिसमें एवरेज जो स्कोर है वो 105.387 आपका बनना है। ठीक है, सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 18 जुलाई की शिफ्ट टू जो है वो सबसे इजी शिफ्ट है, जिसमें एवरेज जो स्कोर है वो आपका 128.88 बनना है। आप लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है उसके स्कोर के बीच में जो डिफरेंस है वो 23 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, यानी कि 25 से 30 नंबर तक आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब किस तरीके से आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा, जितनी आपकी हार्ड शिफ्ट होगी उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी कि उतने ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे, और जो आपकी अगर ईजी शिफ्ट होगी तो उतने कम नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे। लेकिन नंबर इंक्रीज़ होंगे ये बात तो तय है। ठीक है, किसी के 5 नंबर इंक्रीज़ होंगे, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 20 से 25 नंबर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 ये टॉप मोस्ट आपकी हार्ड शिफ्ट है और यहाँ से आप नीचे से ले लो तो ये टॉप मोस्ट इजी शिफ्ट है आपकी। ठीक है, उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि 26 जुलाई की आपकी शिफ्ट 4 है, इसमें 111.39 एवरेज जो स्कोर है वो बनना है। उसके अलावा 18 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट है इसमें 112.54 बनना है स्कोर। 19 जुलाई की शिफ्ट 4 जो है उसमें 114.10 बनना है। 14 जुलाई की शिफ्ट 3 जो है इसमें 114.37 बनना है। 19 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है इसमें 114.77 बनना है। तो आप खुद देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे 14 से 15 नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पर भी 14 से 15 नंबर इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पर भी 14 से 15 नंबर इंक्रीज़ होंगे, यहाँ पे 16 से 17 नंबर इंक्रीज़ होंगे। ऐसे ही मतलब कहने का ये है कि इसको 128 के बराबर लेके आना है, तो उतने नंबर यहाँ पर आप बढ़ा लो। जैसे कि 100 जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें 23 नंबर का आपको इंक्रीजमेंट जो है 23 से 25 नंबर का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है वो मॉडरेट शिफ्ट है। तो कौन कौन सी शिफ्ट है, जैसे कि 14 जुलाई की शिफ्ट 4 है, यहाँ पे 115 स्कोर बनना है। 14 जुलाई की शिफ्ट 2 जो है इसमें 115 स्कोर बनना है। 18 जुलाई की शिफ्ट 4 जो है इसमें 116 स्कोर बनना है। 15 जुलाई की जो शिफ्ट 4 है इसमें 117 स्कोर बनना है। 17 जुलाई की जो शिफ्ट 2 है इसमें 117.03 स्कोर बनना है। 25 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है इसमें 117.10 स्कोर बनना है। 21 जुलाई की शिफ्ट 3 जो है इसमें 117.21 स्कोर बनना है, जो एवरेज स्कोर है आंसर की आने के बाद। 20 जुलाई की जो शिफ्ट 1 है इसमें 117.37 बनना है। तो पूरा आप लोग ये डाटा जो है वो देख सकते हैं। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि आंसर की आने के बाद सभी शिफ्ट में काफ़ी वेरिएशन आया है और स्कोर भी जो है वो डिक्रीज़ आपका हुआ है। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद शिफ्ट वाइज जो स्कोर है वो इस तरीके से आपका बनना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। देखो, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इतना स्कोर आपका बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके अलावा जो मैंने चैनल पे पोल कराया था उसका भी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 4.4 यानी कि 4400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने अपना डाटा शेयर किया। तो बिलो 100 कितने बच्चे हैं, 15%। 100 से 120 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, 100 से 120 के बीच में जिनके मार्क्स आ रहे हैं
वो 24% बच्चे, 120 से 140 जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो 39% है, 140 से 160 18% है और 160 प्लस वाले केवल 5% है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम डाटा है वो इस लाइन में आपका लाई करता है, 100 से 140 वाली जो रेंज है उसमें लाई करता है, ठीक है। इस पोल से एक चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट का स्कोर है, मैक्सिमम जो बच्चों का स्कोर है वो 100 से 140 के बीच में आपका लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विदाउट टाइम खराब किए हुए कि सेफ राइज स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको किसी की कट ऑफ कुछ भी एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है, आपका अगर इतना राइज स्कोर बनना है तो आराम से आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि टीयर वन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए, अगर आपका राइज स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है तो कोई भी एनालिसिस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 125 या उससे ऊपर आपका राइज स्कोर अगर बनना है किसी भी कैटेगरी में तो आपको किसी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन करो, आपको मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे नहीं जाएगी। देखिए, आपको इतना पता है कि हर शिफ्ट में स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो गलत भी हैं तो क्वेश्चंस का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, दो चार नंबर आपके रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से ही बढ़ेंगे, उसके अलावा नॉमिनेशन भी काफ़ी अच्छा होगा, तो हर शिफ्ट को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपका स्कोर 125 या उससे ऊपर बनना है किसी भी कैटेगरी में राय स्कोर, तो आपको किसी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। आपका जो मेन फोकस है वो मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी जो मेंस एग्ज़ाम है उसको होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि SSC मिशन मोड पर काम कर रही है, तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आपका आएगा और टीयर टू का जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्द होगा। तो अभी मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि टीयर वन का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है, मेंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो अगर आपका 125 या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो आपको कोई भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। तो अगर आपका 125 या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो आपको किसी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हो तो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंप्यूटर और दूसरा टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल SSC के इंटरफेस में। यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह है वो बिल्कुल उतना ही है जितना SSC में मिलता है आपको। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम आपको यहाँ पे 250 एक्चुअल CHSL CGL में आए हुए पैसेज दे रहे हैं, और ये जो पैसेज हैं वो ऐसा नहीं कि इसमें लिमिटेशन है, आप सारे के सारे पैसेज एक दिन में आप टाइप कर सकते हो। तो सिर्फ प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो, एक दिन का जो डैमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डैमो आप लीजिए। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें यही कमी है कि वो एक्चुअल स्पीड आपको नहीं बताते, और प्रीवियस जो क्वेश्चन जो प्रीवियस आपके पैसेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस कंटेंट इतना है कि इसी को प्रैक्टिस करो आप, ऐसा ही कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर पर आप प्रैक्टिस करो, आपका टाइपिंग 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पर जो हम आपको प्लान दे रहे हैं वो मिनिमम प्राइस में दे रहे हैं, यानी कि 199 रुपये में आप 3 महीने का प्लान ले सकते हो, जिसमें 250 के 250 आप पैसेज एक्सेस कर सकते हो। तो आप खुद सोचो कि एक पैसेज आपको 1 रुपये से भी कम प्राइस का पड़ रहा है, बाकी 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, 1 साल का प्लान है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो बेस्ट प्लान है वो ले सकते हैं। डेमो आप लोग जरूर लीजिएगा, डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो टीयर वन का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो इसका आंसर आपको 2022 का टीयर वन का रिजल्ट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया इसको देख के मिल जाएगा। तो 2022 का जो टीयर वन का एग्ज़ाम हुआ था वो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चला, और इसका जो रिजल्ट आया था वो आप देख पा रहे होंगे 9 फरवरी को आपका रिजल्ट आया, यानी कि 2 महीने जो हैं लग गए थे रिजल्ट आने में, 2 महीने से थोड़ा सा कम टाइम आपका लगा रिजल्ट आने में। तो इतने ही टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। आप कोई अगर आपसे कह रहा है कि 1 महीने में आ जाएगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई तक चला है, ठीक है। तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और मेरे हिसाब से 20 से 25 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट जो है वो किसी भी कंडीशन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 20 से 25 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपको पता होगा कि 9 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आया था और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था मेंस का वो 3 से लेकर के 7 मार्च तक हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 1 महीने से कम टाइम आपको मेंस के लिए मिला। तो अगर 20 से 25 तारीख तक आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर में ही आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट भी हो जाएगा और ओवर भी हो जाएगा, ठीक है।
पिछली बार तो 3 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, इस बार तो अगर वैकेंसी 10,000 हो जाती है तो ये मान के चलिए कि 1 लाख बच्चे जो हैं वो मेंस देंगे, ठीक है। तो अक्टूबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम भी इसी डेट के आसपास 20 से 25 अक्टूबर तक आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, मे बी इससे पहले भी हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। किन बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगर आपका 125 या उससे ऊपर रहा स्कोर बनना है तो आपको किसी का भी एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप टीयर टू की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मेंस के लिए एसएससी नहीं देगी। अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि रिजल्ट आने के बाद आपका मेंस जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, 20 से 25 तारीख तक आपका जो 20 से 25 सितंबर तक आपका जो टीयर वन का रिजल्ट है वो आ सकता है। उसके अलावा अक्टूबर में ही आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम मेंस के लिए नहीं मिलेगा, तो टीयर वन के रिजल्ट का वेट मत करिए। अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो एनालिसिस वगैरह आप छोड़ दीजिए, मेंस की तैयारी में लगिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर और टाइपिंग जो है इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। तो टाइपिंग के लिए आप हमारा कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो ले सकते हैं, मिनिमम यहाँ पे चार्जेस है, इसमें आप अपना बेस्ट प्लान ले सकते हैं, बिल्कुल इंटरफेस एसएससी के जैसा है, 250 आपको यहाँ पे एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल पाई होगी कि टीयर वन का रिजल्ट कब तक आएगा, मेंस एग्ज़ाम कब तक आपका हो सकता है, आफ्टर आंसर की शिफ्ट वाइज जो है वो स्कोर आपका एवरेज स्कोर क्या बनना है, ओवरऑल एवरेज स्कोर जो है उसमें काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।